हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक एंड फिट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आउट स्विंग और इन स्विंग कैसे करते हैं, आउट स्विंग करने के लिए कैसे ग्रिप पकड़ते हैं और इन स्विंग करने के लिए कैसी ग्रिप पकड़ते हैं। पहले हम स्विंग के पीछे जो साइंस होता है उसके बारे में जानते हैं। बॉल स्विंग होने के पीछे एक साइंस होता है। बॉल को जिस डायरेक्शन में डिलीवर किया जाता है, हवा का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बॉल की एक साइड रफ होती है, उस रफ साइड के कारण हवा का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है और बॉल की जो दूसरी साइड होती है वो शाइनी साइड होती है। शाइनी साइड स्मूथ होने के कारण उस साइड हवा का जो फ्लो है वो फास्ट और ज़्यादा होता है। हवा का फ्लो तेज और ज़्यादा होने के कारण शाइनी साइड पे एयर प्रेशर क्रिएट होता है जो बॉल को शाइनी साइड के अपोजिट साइड पुश करता है। तो यही एक सिंपल साइंस होता है बॉल स्विंग होने के पीछे। शाइनी साइड स्मूथ होने के कारण हवा का ज़्यादा प्रेशर बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग कराता है। ये एक सिंपल टेक्निक है आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए। जब आप आउट स्विंग डाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो शाइनी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और आपकी जो सीम की पोजीशन है वो फर्स्ट या फिर सेकंड स्लिप की तरफ होनी चाहिए। और इन स्विंग के लिए क्या करना है, आपको जो शाइनी साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है, इस तरफ रखनी है और हल्का सा सीम पोजीशन लेग स्लिप की तरफ पकड़ना है। जब आप बॉल डिलीवर करोगे तो आपकी जो सीम पोजीशन है वो लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए। तो आउट स्विंग के लिए आपको क्या करना है, शाइनी साइड अंदर की तरफ और सीम की पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ। और इन स्विंग के लिए क्या करना है, शाइनी साइड बाहर की तरफ और सीम पोजीशन लेग स्लिप की तरफ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉल को ग्रिप कैसे करना है। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आपके लिए नॉर्मल जो ग्रिप होती है, आपकी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट वाले सीम पे और आपकी जो मिडल फिंगर है वो राइट वाली सीम पे होनी चाहिए और आपका जो थंब है वो सीम के बीचों बीच होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बॉल के बीच और आपके पाम के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, ये ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए या ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। अगर आप आउट स्विंग डालना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो शाइनी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और जब आप ग्रिप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब ग्रिप कर रहे हो तो हल्का सा फर्स्ट स्लिप की तरफ ग्रिप होना चाहिए। जब आप बॉल डिलीवर करोगे तो बॉल फर्स्ट स्लिप की तरफ आपकी सीम जानी चाहिए। आउट स्विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाइनी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और जो आप डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर करते टाइम आपकी जो सीम है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ जानी चाहिए। सेम उसी तरह इन स्विंग के लिए, इन स्विंग के लिए बस आपको शाइनी साइड अपोजिट करनी है, वो बाहर की तरफ रखनी है। और जब आप बॉल पकड़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि बॉल की जो सीम है वो लेग स्लिप की तरफ जानी चाहिए। जब आप बॉल डिलीवर कर रहे हो तो आपकी जो सीम है वो लेग स्लिप की तरफ जानी चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हो इन स्विंग के लिए बॉल की सीम डायरेक्शन लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए। जब आप बॉल डिलीवर कर रहे हो तब आपकी बॉल की सीम लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो आउट स्विंग के लिए आपकी बॉल की सीम फर्स्ट और सेकेंड स्लिप की तरफ होनी चाहिए। आउट स्विंग के लिए आपकी बॉल की सीम डायरेक्शन फर्स्ट और सेकेंड स्लिप की तरफ होनी चाहिए। देखिए, आउट स्विंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्ट पोजीशन। जितना अच्छा आपका रिस्ट पोजीशन होगा उतना ही अच्छा आप सीम पे डिलीवर कर पाओगे। तो फर्स्ट टेक्निक है आपकी रिस्ट पोजीशन, सेकेंड है आपकी जो सीम डायरेक्शन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए। जो आप आउट स्विंग कर रहे हो तो आपकी जो सीम है आप सीधी नहीं रखनी या फिर लेग स्लिप की तरफ नहीं रखनी है। आउट स्विंग के लिए आपकी जो सीम की पोजीशन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए। जब आप बॉल डिलीवर करने वाले हो तो आपकी जो सीम की पोजीशन है वो डायरेक्शन फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए। थर्ड टेक्निक है आपकी शाइनी साइड, आपकी जो शाइनी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। अगर आपकी शाइनी साइड अंदर की तरफ रहेगी तभी आपका बॉल आउट स्विंग होगा। तो ये सिंपल थ्री टेक्निक्स है आउट स्विंग के लिए, आपकी रिस्ट की पोजीशन, आपकी सीम की डायरेक्शन और आपकी शाइनी साइड। सेम उसके अपोजिट है इन स्विंग के लिए, इन स्विंग के लिए आपकी रिस्ट पोजीशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपकी जो सीम की डायरेक्शन है वो लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए। जब आप इन स्विंग डाल रहे हो तो आपकी जो सीम की डायरेक्शन है वो
लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए, ये सीधा या फिर फर्स्ट स्लिप की तरफ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लेग स्लिप की तरफ। जब आप बॉल डिलीवर कर रहे हो तो आपकी जो सीम है वो लेग स्लिप की तरफ जानी चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो शाइनी साइड, इन स्विंग के लिए शाइनी साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। शाइनी साइड बाहर की तरफ होगी तभी बॉल आपका इन स्विंग होगा। तो ये सिंपल टेक्निक्स है आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए। आपकी शाइनी साइड अंदर रहेगी तो बॉल बाहर स्विंग होगा, अगर आपकी आपकी शाइनी साइड बाहर है तो अंदर की तरफ स्विंग होगा। आपकी सिम की पोजीशन, सिम की डायरेक्शन अगर फर्स्ट स्लिप की तरफ है तो आपका आउट स्विंग होगा, आपकी सिम की डायरेक्शन लेग स्लिप की तरफ है तो आपका इन स्विंग होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।